तो साल में 39 में तो आपके पूछा गया है कि दोनों समय की औसत आय ज्ञात करनी है, समांतर माध्य ज्ञात कर दोनों का, तो 11 के समांतर माध्य ज्ञात करना और 12 काल से ज्ञात करना। दूसरा पूछा गया है मध्य का, इसकी केवल 11 की मध्य का ज्ञात करनी है। और फिर पूछा है पदार्थ का मतलब क्या होता है, Q3 और Q1 ज्ञात करना है। ये सिंपल है, जैसे हमने पहले किया था, ग्रुप भी दे रखा है आपके, 0 से 50, 50, 100, 100 से 150 दे रखा है। अब देखो सवाल नंबर 40 में है, बनारस के वर्ग के साड़ी बुनकरों की मध्य का चतुर्थक प्राप्त्या दे रखी है, मध्य का दे रखी है, बताओ एम कितना दे रखा है आपके, एम दे रखा है आपके 44.3। फिर दे रखा है आपके क्या नाम है, चतुर्थक Q1 दे रखा है आपके 43। फिर है आपके Q3 दे रखा है आपके 45.9। फिर दे रखा है सभी प्राप्तियां, बताओ सभी जो भी मिले हैं पैसे वो सब कहां से कहां तक है, 40 से शुरू होगा और 50 से खत्म होगा। फिर दे रखा है 10% व्यक्ति ऐसे हैं, 10% जो क्या है आपके 42 से क्या है दे रखे हैं, कम कमा रहे हैं, और 13% ऐसे हैं जो कितना कमा रहे हैं, 47 से अधिक। और फिर दे रखा है आपके 6% ऐसे हैं जो कितना कमा रहे हैं, 48 से अधिक। हमें ज्ञात करना है, समांतर माध्य करना है ज्ञात। इसने कहा है कि हमें ग्रुप बनाना है, कहां से कहां तक का बनाना है, 40 से 50 तक का ही बनाना है। इसमें क्या क्या चीजें आ रही है, पहले देखो इसके अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। एक तो आ रहा है आपके 40, एक आ रहा है आपके 41, नहीं क्या आ रहा है 42 आ रहा है, फिर आ रहा है आपके 43, फिर आ रहा है आपके 44.3, फिर आ रहा है 45.9, फिर आ रहा है 47, फिर 48, और लास्ट का क्या होगा आपके 50। ये वाले नंबर आ रहे हैं और इससे हम क्या बनाएंगे, पहले ग्रुप बनाएंगे। तो बनाओ ग्रुप, इधर ध्यान देना, पहले पूरा कंप्लीट। पहला ग्रुप कहां से कहां तक बनेगा, 40 से 42 का बनेगा, तो आ जाएगा 40 से 42। अगला ग्रुप ये बनेगा 42 से कहां का बनेगा, 43 का। फिर ये बनेगा अगला वाला, 43 से बनेगा 44.3। फिर ये वाला बनेगा 44.3 से आ जाएगा 45.9। फिर आ जाएगा आपके ये वाला 45.9 से हो जाएगा 47। फिर आ जाएगा 47 से 48 और फिर होगा 48 से 50। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है और CF भी लिखनी है। अब ये कहां से लाएं, देखो ध्यान दो, इसने कहा है कि से अधिक का कहा है तो उल्टी CF चलती है, और से कम का कहे मतलब सीधी CF चलती है, से कम का है तो सीधी CF कहां से, 42 तक, यही होता 42। सीधी CF कितनी हो गई आपके, 10 हो गई। याद आ गया समझ में, इसने कहा है 42 से कम, मैंने बताया हुआ है पहले कि से कम का कहा जाए तो हमेशा आपको ऊपर से CF निकालनी, और 42 आगे सबसे पहले ही आ गया, इसका मतलब सबसे पहले वाला मूल्य कितना हो गया आपके, 10 हो गया। फिर है आपके से अधिक वाला, से अधिक दो कितने क्या कहा है, 47 से अधिक, ये रहा 47 से अधिक और ये है आपके 48 से अधिक। अब जब अधिक का कहा जाए तो हमेशा यहां से शुरू करनी, इधर से CF करनी, 48 से अधिक मतलब कितने हो गए 6, फिर 47 से अधिक कितने हो गए आपके 13। से अधिक का कहा जाए तो इधर से CF याद करेंगे। अब आपके ये रह गए, ये जो वैल्यू रह गई पीछे, अब देखो 43 तो क्या है बताओ, अभी मैंने पहले भी बताया था, जब भी यहाँ CF पे जो मान यही उत्तर आपके क्या आ जाए, छोटा Q1 आ जाए, तो उत्तर क्या होता है आपके 43 होता है। तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू क्या है, ये वाला है छोटा Q1, ये वाला वैल्यू देखो हमने उत्तर यही आ गया, Q1 का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है आपके 43 दे रखा है, मतलब ये ग्रुप का सबसे लास्ट वाला आ गया। और ये कब आता है, जब यहाँ वाला जो मान होता है, ये जो भी आपके मान दे रखा होता है
क्या ये अगला वाला आता है, ये अगला वाला आएगा, ये वाला 43 आता है। अब कैसे ज्ञात करो बताओ, छोटा क्यूब कैसे ज्ञात करते हैं? ये करते हैं एन बटा चार। एन कितना है आपके? 100। एन कितना है? 100, क्योंकि दे रखा आपके परसेंटेज दे रखा है, सब जगह परसेंटेज, मतलब कुल कुल कितने हैं आपके? 100 है, क्यों हमने यहाँ 6 लिया या 13 लिया, 6 दे रखा किसका है? यहाँ परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है तो मतलब 100 में से 6 कमाते हैं, 100 में से 13 कमाते हैं, 100 में से 10 कमाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, भाग देंगे इसका 4 का, बताओ कितना आएगा आपके? 25। क्या आएगा आपके? 25। अब यहाँ आ जाएगा आपके 25। मतलब अगर जब भी हम छोटा Q1 ज्ञात करते हैं और उस Q1 का मान 25 आ जाए तो आप देखना हर बार आपको उत्तर यही वाला आता है। अब ये वाला मान किसका है बताओ? 43 पर थिंग का है, मध्य का है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मध्य का ज्ञात करेंगे। मध्य का कैसे ज्ञात करते हैं? सूत्र क्या करेगा? एन बटा दो। एन कितना है? 100/2, मतलब कितना है? 50वां पद। अब आपने ये भी देखा होगा कि जब भी देखो 50वां पद हम ज्ञात करते हैं, अगर 50वां आ गया, अब देखो किचा उतरा, जब भी यहाँ अगर कोई मान मिलता है, जब भी आप मध्य का ज्ञात करते हो, Q1 ज्ञात करोगे, अगर ये वाला मान इससे मिल जाए तो हमेशा पिछला उत्तर होता है। ये उत्तर हो गया, इसमें मतलब यहाँ कितने हैं आपके? 50 है। यहाँ कितने आपके? यहाँ 50 होंगे तो ये वाला मान क्या कहलाएगी आपके? मध्य का कहलाएगी। आप कभी भी आप CF ज्ञात करो तो ये वाला मान अगर सेम मिल जाए तो ये क्या कहलाती है आपके? मध्य का कहलाती है। फिर है आपके 45.9। 45.9 के लिए ये दे रखा है आपके, बताओ कितना दे रखा है इसके लिए? 45.9 क्या है? Q3 है, बताओ Q3 कैसे ज्ञात करते हैं? सूत्र क्या ज्ञात करने का? 3n/4। 3n का मान 100/4, बताओ कितना आ गए आपके? ये आ गए 300/4, मतलब कितने हो गए? 75वां पद। तो मतलब यहाँ क्या है आपके? 75 है। अब देखो आपके और क्या लिखा हुआ है, 47 के लिए अधिक का प्रयोग किया हुआ है, इसका मतलब बचेगा पीछे। अब देखो ध्यान दो, ये तो CF सीधी हो गई, CF क्या हो गई आपके? उल्टी हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ तो 6 का 6 ही आएगा और 13 में से 6 के पीछे कितने बचेंगे, यहाँ पर आपके 7 आ जाएंगे। तो इन दोनों को फिर क्या करो, हटा दो, क्योंकि हमें कौन सी CF ज्ञात करनी है? सीधी CF ज्ञात करनी है। तो देखो अब ये 10 का 10, ये यहाँ करें 10, फिर क्या करेंगे 10 और, अब बताओ इन दोनों में कितना अंतर है? 15। यहाँ कितना अंतर है? 25 का। यहाँ कितना अंतर है? 25 का। बताओ यहाँ कितना आएगा, क्योंकि सबकी जोड़ कितनी होगी आपके? 100 होगी, क्योंकि परसेंटेज ले रखा है, तो सबकी जोड़ कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। 100 में से ये सारे घटा दो तो ये आ जाएगा 45.9 से 47। दस प्लस 15 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 7 प्लस 6, इनकी जोड़ होती है आपकी 88। इनकी जोड़ कितनी होती है आपके? 88 होती है। 100 में से गए 88, तो पीछे कितना बच गया आपके? 12। ये आ जाएगी आपके अंतर की संख्या, जो भी बचा पीछे ये आ जाएगी। अब CF की तो मतलब ही नहीं, फिर भी ज्ञात कर लो 87/12 कितने होते हैं, 75/12 कितने होते हैं? 87 और 7 कितने होते हैं आपके? 94 और 6 कितने हो गए आपके? 100। ये हो गया कंप्लीट आपके CF ज्ञात हो गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य। उसके लिए हमें क्या चाहिए? x चाहिए। x मतलब क्या चाहिए? सेंटर वैल्यू। 40 और 42 के बीच में क्या आता है? 41। 42 बीच में क्या आता है? 42.5। अब 43 के और 44.3 के बीच में क्या आता है? दोनों जोड़ो और दो का भाग लगा दो, ये आ जाएगा 43.65। फिर है 44.3 और 45.9 को जोड़ो और दो का भाग लगा दो, ये आएगा आपके 45.1। 45.9 प्लस 47/2, ये आ गया आपके 46.45। 47 और इन दोनों बीच में क्या आता है? 47.5 और यह आएगा आपके 49। अब क्या कर लेंगे हम? FX कर लेंगे, तो यह आ जाएगा आपके 410।
15 × 42.5 ये आ गया आपके 637.5, 25 × 43.65 ये आ गया है आपके 1091.25, 25 × 45.1 ये आ गया है आपके 1127.5, 12 को गुणा करेंगे 46.45 से ये आएगा 557.4, 7 को गुणा करेंगे 47.5 से ये आएगा आपके 332.5, 6 को गुणा करेंगे 49 से तो ये आएगा 294, और अब हम दबाएं MRC, यह आया 4450.15, मीन ज्ञात उत्तर क्या ज्ञात करने का, FX/σF 4450.15/100 यह आएगा 44.50 है 44.5 आ रहा है।